जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में नाउन के सारे जो पांचों टाइप्स थे वो कवर कर लिए थे। अब जो हम लोग करेंगे, मैंने बताया था साथियों आपको, मैं सोल्यूशन करवाऊंगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो कि आर के सिन्हा द्वारा क्या है, लिखित बुक है, उसकी मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट कराऊंगा, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर क्लियर, एक्सरसाइज फर्स्ट में कराऊंगा और मैं क्वेश्चन यहाँ से लिखने की प्रयास करता हूँ और क्वेश्चन सारे लिखते चलूंगा। आप लोग मुझे बताना उसमें नाउन क्या, देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, क्वेश्चन कल तक टाइप होकर आ जाएंगे साथियों। देखो कह रहा है कि इन सर्कल ऑल द नाउन, इन सर्कल ऑल द नाउन इन दिस सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें से जो नाउन हो उसे घेरा लगाना है। बट सुनो, मैं सिर्फ घेरा लगाने नहीं बताऊंगा, मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कौन सा नाउन है, वो किस पार्ट से आया है, किस कैटेगरी से है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर नाउन के अलावा आपको इसमें पार्सिंग भी सिखा दूंगा। इस वीडियो में पार्सिंग करना, पार्सिंग जब सीख जाओगे तो साथ ही इंग्लिश को मुट्ठी में घुमाओगे। पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना। पहला क्वेश्चन में जो दिया है आपका, तो सोल्व एग्जाम्पल से मैं उठा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, तो सोल्व एग्जाम्पल है उसमें कहीं पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट ठीक है, द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। अब आ जाओ साथियों, बुक भी खोल लेना, ठीक है। सभी को अपना अपना बुक खोल कर बैठना और आप कमेंट करके मुझे बताओ इसमें से नाउन कौन कौन सा है। जल्दी फटाफट सभी को कमेंट करो, सबकी कमेंट में देख रहा हूँ, फटाफट कमेंट करो। ये जो सेंटेंस है द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, मैंने बताया है कि आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि राम दे देगा और पूछेगा कि राम किस कैटेगरी से, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा। आपका जो एग्जाम में आएगा ये सेंटेंस के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा साथियों, सेंटेंस के फॉर्म में आएगा, तो आपको सेंटेंस में से चूज करना होगा। और देखो साथियों, सिर्फ यहाँ पर नाउन नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया, पार्सिंग भी सिखाऊंगा। और ये जो पढ़ोगे ना पूरे YouTube पर जो मतलब खोज लेना, इस तरह से कहीं नहीं पढ़ाई हुआ होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना नाउन कौन कौन सा है, पहले बताओ मुझे साथियों फटाफट। जब चलोगे यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करोगे तो नाउन आप जब, मुझे पता होगा कुछ बच्चे यहाँ पे रट्टा मार के बैठे होंगे, कहेंगे सर स्टूडेंट नाउन है, ये स्कूल नाउन है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूँ ये जो स्कूल है ये नाउन है, सॉरी स्टूडेंट नाउन है और यहाँ पे स्कूल ये नाउन है। आपके अकॉर्डिंग ये मान के चलता हूँ स्कूल और जो स्टूडेंट है दोनों क्या है, नाउन है। अब मुझे बताना साथियों, ये जो स्टूडेंट है ये आपका क्या बोले आपको सर, ये नाउन है, मैंने मान लिया कि ठीक है साथियों स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब मुझे बताना है नाउन में किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एकदम बढ़िया से कॉपी खोल के बैठना, सारी चीज लिखना, ये पहली बार इस तरह से पढ़ रहे हो, सिर्फ बुकों में या कोचिंगों में गए होगा ना। ऑफलाइन की बात करते हो जहाँ आप 4,000-5,000 रुपये दे के पढ़ते हो ना, सिर्फ ये मिलवाते हैं, कहा चलो बुआ एक नंबर में स्टूडेंट आपका नाउन है, क्या है एक नंबर में आपका स्टूडेंट नाउन है और स्कूल नाउन है, बस ऐसे। मैंने खुद पढ़ा साथियों, मैं जब पहले पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ाई होता था, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ऐसे मिलवाने जाते थे कि स्टूडेंट नाउन, दसवीं तक की बात बता रहा हूँ, ट्वेल्थ की नहीं। ट्वेल्थ के बाद मैं तो अपना इंस्टीट्यूट ही चेंज कर लिया था, उसके बाद मतलब फिर मैं बड़े तरीके से पढ़ रहा था। तो जो स्टूडेंट और स्कूल ऐसे मिलवा के छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समझना, आपने बोला स्टूडेंट नाउन है, मैं जानना चाहता हूँ सर नाउन में कौन सा नाउन है, नाउन में किस कैटेगरी का नाउन है। तो आप बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर दिमाग लगाएंगे, सर ये कॉमन नाउन का है, ठीक है साथियों कॉमन नाउन का है, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट कॉमन नाउन में सर यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म में है, ये क्या है साथियों, प्लूरल फॉर्म में है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो द स्टूडेंट्स यहाँ पे एस लगा हुआ है इसमें, ये प्लूरल फॉर्म में है। और मैंने एक रूल बताया था, लेकिन यहाँ पे मान के चलो जो बुक है, बुक जब लिखा है तो हम लोग नहीं काटेंगे, लेकिन मैंने बताया था आपको रूल, जब कोई प्लूरल नाउन हो जाए, यानी कि उसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन नहीं लगता, लेकिन बुक लगा करके चल रहा है तो मानना पड़ेगा हमें भी। लेकिन प्रैक्टिकल सोचोगे, बड़े बड़े बुक उठा लेकर नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ मान के चलो, यहाँ पे इसकी बात कर लो। कह रहे कि स्टूडेंट नाउन है, नाउन में किस कैटेगरी से है, तो कॉमन नाउन है। अब मुझे बताना ये कैसा है, तो प्लूरल काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये क्या हो जाएगा, तो प्लूरल क्या लिख सकते हो साथियों, प्लूरल काउंटेबल, साथियों काउंटेबल नाउन,
एकदम धैर्य बना के रखना, एक एक चीज सीख जाओगे, एक जो वर्ड है ये क्या क्या है सारी चीजें बताऊंगा। पहले समझा स्टूडेंट नाउन है, फिर स्टूडेंट इसमें क्या है कॉमन नाउन है, और ये क्या है फिर प्लूरल प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो नाउन की बातें जान लिया कि सेंटेंस में पूछा था नाउन है, ठीक है साथी। अब मुझे बताना इस सेंटेंस में ये रोल कैसा कर रहा है, एज एक्ट एज ए रोल कैसा कर रहा है, इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है, जल्दी से ना बता दो साथियों। ये जो स्टूडेंट है इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है मुझे बताओ जल्दी से। ये जो स्टूडेंट है इस सेंटेंस में रोल कैसा निभा रहा है, एज ए सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, कैसा एज ए सब्जेक्ट। अब कैसे सब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर लगाओ इज के पहले हु लगाओ, क्या लगाओगे हु इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, तो विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी गण यानी कि जो विद्यार्थी, इसका आंसर जो आता है ना वही सब्जेक्ट होता है। तो हु लगाकर जब वर्ब में क्वेश्चन करते हो, वर्ब में क्वेश्चन करते हो उसका जो आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है, समझ गए। तो जो इसका आंसर क्या आया था द स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ठीक है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जान गए ना कि ये वाला कौन सा पार्ट था, अब आ जाओ दूसरे नाम की तरफ, ये वाला नाम की तरफ आ जाओ और इसी भी समझो। स्कूल क्या है, नाउन है आपके अकॉर्डिंग, नाउन में कैसा नाउन है, तो स्कूल एक क्या है कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है एक जनरल फॉर्म में बोला जाता है, तो स्कूल क्या आपका साथियों कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स बता दिया आपको नाउन के, जितने भी टाइप्स है वो सारी चीज मैंने पढ़ा दिया है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप बढ़िया तरीके से एक एक चीजों को पहचान लें, क्योंकि बुक में डिटेल्स में नहीं मिलेंगे, और जो पढ़ा रहा हूँ ना उसे बारीकी से समझना, फिर इंग्लिश में कंटेंस देखे कभी घबराओगे नहीं, क्योंकि आप पकड़ लोगे अच्छा नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन था, ओहो प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, अच्छा जी रोल क्या है इसका इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट का रोल है, तो ये पहचानने में आपको दिक्कतें नहीं होगी। आज अब यहाँ पे स्कूल, स्कूल क्या नाउन है, नाउन में कैसा नाउन है, ये है आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल है, गिन सकते हैं स्कूल को, एक स्कूल दो स्कूल तीन स्कूल, क्योंकि स्कूल नहीं लगे इसके साथ में, ठीक है। आ जाओ इसके बाद ये क्या कॉमन नाउन का पार्ट है, ठीक है कॉमन नाउन है। अब इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है, इस सेंटेंस में जो आया है स्कूल इसका रोल क्या है, ये रोल कैसा निभा रहा है, क्या रोल क्या है सेंटेंस में। देखो जैसे ही हम इज में क्या लगाएंगे व्हाट, क्या जाता है, क्या जाता है, या विच, व्हाट या विच लगाएंगे मतलब किसको जाता है, तो यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे व्हाट और विच से क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन करते हो, जब आंसर नहीं आता है तो वो जो आंसर नहीं आता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं साथियों कॉम्प्लीमेंट। अगर आंसर आ जाए, अगर आंसर आ जाए तो उसे बोलते हैं हम साथियों ऑब्जेक्ट, समझने के प्रयास करना। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना साथियों तो मुँह आधार करने लगोगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट सब पहचानना सिखा दूंगा, लेकिन सब्र करो यहाँ पे समझो कि ये स्कूल क्या आपका साथियों कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ बताओ ऐसे कभी कहीं पढ़े थे, मुझे बताना साथियों कमेंट करके, ईमानदारी से दिल पे हाथ धर के, यहाँ दिल होता है ना साथियों, यहाँ पे सेट यहाँ पे दिल है, यहाँ से बताना ईमानदारी से क्या अभी तक ऐसे कहीं पढ़े थे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं भी नहीं पढ़े होगे कि नाउन के बारे में इतनी डिटेल दिया जाता हो कहीं पे भी, कि नाउन ये पार्ट है, फिर नाउन में ये है तो फिर उसके अंदर वाला पार्ट भी, फिर उसके अंदर भी जाने हम लोगों ने, ऐसे डिटेल में कहीं नहीं पढ़े। लेकिन आपको काम क्या करना होगा साथ मेरे साथ, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, अपने हजारों वीडियो देखे होंगे नाउन के, हजार जगह पढ़े होंगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन नोट डाउन करना, इससे फिर से अपना यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करना, क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन रख के फिर से बनाने के प्रयास करना, और कमेंट में अपना जो डाउट भी हो पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया नाउन वाला पार्ट, अब आ जाओ नाउन के अलावा इसमें और क्या मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ एक और वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों द, अब मुझे बताओ अब ऐसे आप अगर मैं चला जाऊँ बता कर तो सिर्फ नाउन सेंटेंस कैसे समझोगे, कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो ये द है ये द क्या है आर्टिकल है साथियों, क्या है द क्या है आर्टिकल है। सिर्फ साथियों मिलवाऊंगा नहीं आंसर, यहाँ पे सिर्फ बोला इनसर्कल कर देना है, लेकिन मैं इनसर्कल नहीं सारे चीज बता दूंगा आपको, टाइम लगेंगे मुझे भी पता है, मुझे भी टाइम लगेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे लगते हैं टाइम, ठीक है साथियों ये बातों को समझना है। ये आर्टिकल है क्या है द आर्टिकल है, और ये कैसा आर्टिकल है, ये कैसा आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि लड़की की जो बात करी वो डेफिनेट उसके बारे में वो जानता है पहले से,
जो लड़का है लड़की स्कूल जाते हैं इसके बारे में, उसके बारे में क्या है ऑलरेडी इसको नॉलेज है, कहाँ ये लड़का वही लड़का है जो स्कूल जाते हैं, इसको पता है। ये जो आर्टिकल द है ये कैसा आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। साथ ही में सब कुछ सीखते चलो, कैसा आर्टिकल है तो डेफिनेट आर्टिकल है, समझ गए कैसा आर्टिकल है डेफिनेट। और देखो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट में आपके क्या आता है ए एन आता है, ठीक है, नॉन भी आता है, ये सिखाऊंगा कैसे आता है, एनी भी आता है, लेकिन दो समझ के चलो ए एन और द। डेफिनिट में द, इनडेफिनिट में ए एन, देखो साथ ही आर्टिकल भी सीख गए ना नाउन में ही। ये सारे चीज इसे बोलते हैं पार्सिंग, एक एक वर्ड को बारे में जानना सेंटेंस के, जो सेंटेंस हो उसके एक एक वर्ड के बारे में जानना पार्सिंग कहलाता है, समझ गए ना। आ जाओ अब यहाँ पे जो ये एज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एज ही सारे चीज का खेला करवा रहा था, ये जो एज दिखाई दे रहा है यहाँ पे बताओ अब एज यहाँ पे क्या कर रहा है, एज एक्ट एज यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्जिलरी वर्ब का काम कर रहा है। एज तो आपका वर्ब है क्या साथियों, वर्ब है, लेकिन रोल कैसा निभा रहा है, एक्जिलरी वर्ब का निभा रहा है रोल। और ये वर्ब में कैसा वर्ब है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, कैसा हो जाएगा साथियों, इनट्रांजिटिव वे में काम कर रहा है। जब ये ट्रांजिटिव होता, सॉरी यहाँ पे जब ये ट्रांजिटिव होता तो ऑब्जेक्ट होता, जब यहाँ पे ये वाला वर्ब, ये जब वर्ब ये क्या होता ट्रांजिटिव होता तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जो वर्ब होता वो इनट्रांजिटिव होता है, समझ गए। इज हम लोग डॉग के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट के बारे में जानेंगे, इज के बारे में जानेंगे, अब बच रहा है गोइंग, गोइंग के बारे में भी जान ले थोड़ा। देखो ये जो गोइंग है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या साथियों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बताया था ना कि बेटा वन बेटा टू नहीं बोलना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टू है, ये टू कैसा काम कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है। अब देखो यहाँ पे एक रूल आया होगा, रूल समझ लो, बहुत कुछ सीख जाओगे, एक क्वेश्चन से हजारों चीज बनते जाते, हजार रूल बन जाते हैं, बस समझना पड़ेगा। देखो रूल ये बन गया, जब ये टू क्या है प्रीपोजिशन है, क्या साथियों प्रीपोजिशन है। अब देखो जब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है साथियों, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है साथियों नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या है नाउन, लेकिन प्रीपोजिशन के जस्ट पहले क्या क्या आ सकता है, एक तो आपका साथियों वर्ब आ सकता है प्रीपोजिशन के पहले, वर्ब आएगा कितने परसेंट आने के चांस है 33.3%, फिर इसके बाद नाउन भी आ सकता है, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, सब के सब कितने परसेंट चांसेस होते हैं एडजेक्टिव नाउन वर्ब इसके पहले प्रीपोजिशन के पहले, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा नाउन ही आता है, ये बात दिमाग में एक रूल सीख गए ना, प्रीपोजिशन के पहले नाउन एडजेक्टिव वर्ब आ सकते हैं लेकिन प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएंगे। ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गए साथियों, एक सेंटेंस से देखो क्या क्या सीख गए, स्टूडेंट के बारे में पूरा डिटेल, स्कूल के बारे में पूरा डिटेल, टू के बारे में भी जान गए, इज क्या ये भी जान गए, द भी जान गए, लेकिन बुक में सिर्फ बोला था इन सर्कल करना है। ये साथियों सबको समझ में आ गया, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, बस थोड़ा टाइम लगेंगे लेकिन अच्छे कंसेप्ट सीखोगे, ऐसा पेड कोर्स में भी कहीं नहीं सिखाया जाता है, ठीक है साथियों, इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी करो, हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है उसमें चलेंगे, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो साथियों। चलो मैं आशा करता हूँ साथियों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं रद्द करता हूँ, ठीक है। और साथियों आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है साथियों, जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप उतने ही फ्लुएंट होते चले जाओगे इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज में माहिर बनाने में आपको साथ देती है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस देखो, क्योंकि आप जब शुरुआत में अगर साइकिल चलाते हो तो क्या एक ही दिन में सीख जाते हो, क्या सीख जाते हो, नहीं सीख पाते हो साथियों, क्या करते हो आप डेली गिरते हो फिर उठते हो फिर गिरते हो, धीरे 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 करते करते सीख जाते हो, वैसे इंग्लिश है, सीख जाओगे एक दिन, लेकिन एक दिन में नहीं सीख पाते, लेकिन सीख जाओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ, तुम अगर प्रॉपर सिक्वेंस से फॉलो करोगे, ठीक है साथियों। तो आज हम अपने एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, मैं लिखने की प्रयास करता हूँ और आप लोग इसे समझने की प्रयास कर रहे हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का वो था एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत विस्तार से बताना था मुझे। आज एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कह रहा है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे
नाउन कौन कौन सा है पहले बता दो मुझे, कमेंट करके, सबके कमेंट में देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दो साथियों, मैं नाउन कौन कौन सा है जल्दी बताओ मुझे साथियों, सबके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, इसमें बताओ नाउन कौन कौन सा है जल्दी, क्योंकि फिर इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे तो फिर इसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे, जल्दी बताओ कमेंट करो सभी को फटाफट। आज मैं बताता हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं की बातें हैं। यहाँ पे देखो नाउन देखा जाए तो एक तो आपका न्यू दिल्ली एक ही है, ठीक है, न्यू अलग नहीं है, न्यू दिल्ली अपने आप में नाम है, ठीक है। एक और यहाँ पे हो जाएगा इंडिया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये कैपिटल क्या है, तो साथ ही मैं बताऊँ कैपिटल भी नाउन है, मैंने इसके जस्ट पहले अभी एक रूल बताया था कि ऑफ के पहले नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी पहले ऑफ के पहले यानी कि प्रीपोजिशन के पहले ऑफ भी हो सकता है, सॉरी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके जस्ट बाद इंडिया, इंडिया के नाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन भी है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब बताओ इसके डिटेल से बता दिया जाए, सभी को बताओ फटाफट इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो, चलो बताता हूँ। ये जो न्यू दिल्ली है, आपने बोला सर कि नाउन है तो मैंने मान लिया, ठीक है साथियों ये नाउन है, मैं मान लिया आपकी बात है, ये नाउन है। अब मुझे बताना नाउन के अलावा ये क्या है, नाउन में कैसा है ये, तो न्यू दिल्ली किसी जगह का पार्टिकुलर नेम है। अच्छा बताओ न्यू दिल्ली जैसा कोई और शहर है, इसके जैसा कोई और चीज है, नहीं है, तो न्यू दिल्ली अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में यूनिक होता है उसे हमने क्या बताया साथियों, प्रॉपर नाउन होता है। तो बताओ न्यू दिल्ली कैसा नाउन हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा ना सबको प्रॉपर, आज मैं थोड़ा डार्क वाला सा लिखूं, ये थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इसके आउट डिटेल्स के बारे में बात करें, ठीक है, ये नाउन में प्रॉपर नाउन है, और मैंने बताया था जिसे गिनती करने की जरूरत पड़े उसी को हम लोग काउंटेबल कहते हैं, जिसे जरूरत ना पड़े उसे अनकाउंटेबल रखते हैं, लेकिन आपके आर के सिन्हा के बुक में जाओगे तो इसे काउंटेबल में रखा है, लेकिन हम उसके ही फॉलो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने बताया तो प्रैक्टिकल बात याद रखनी है, लेकिन बुक के अनुसार, बुक के अनुसार मानोगे ये काउंटेबल है, लेकिन रूल के अनुसार मानोगे तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मान सकते हो कैसा ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या साथियों अनकाउंटेबल नाउन है, समझ गए, चलो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये कैसा इस सेंटेंस में कैसा रोल है इसका, इस सेंटेंस में रोल क्या निभा रहा है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है हर जगह पे, जैसे अभी मेरा रोल क्या है, एक पढ़ाने वाला रोल है, मैं कहीं और चला जाऊंगा तो वहां, जैसे मैं दुकानदार के पास चला जाऊंगा तो मैं एक खरीदार जो खरीदता है सामान वैसा रोल एक्ट करूंगा, तो हर समय के अनुसार सिचुएशन के अनुसार उसका क्या होता है, जो उसका रोल होता है वो बदलते रहता है। यहाँ भी इसका रोल क्या है, अभी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कैसा काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट की तरह, समझ गए, इसके बारे में हम लोग चार चीज जान गए, ये नाउन है, ठीक है सर, नाउन में कैसा प्रॉपर नाउन है, और ये क्या अनकाउंटेबल, लेकिन बहुत सारे बुकों में काउंटेबल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखोगे तो ये अनकाउंटेबल है, आने वाला कुछ समय में इसे भी अनकाउंटेबल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल के बारे में, इस वाले के बारे में बात कर ले, आ जाओ कर लेते हैं, ये क्या है, नाउन है, नाउन में कैसा नाउन है मुझे बताओ साथियों, नाउन में कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, बहुत अच्छे जवाब, क्या साथियों ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के अलावा ये क्या है, ये गिन सकते हैं साथियों कैपिटल को, काउंटेबल है, ये कॉमन नाउन होता है काउंटेबल होगा ना, ये काउंटेबल है, और इसका रोल क्या है, सेंटेंस में रोल क्या निभा रहा साथियों मुझे बताओ। अब देखो बच्चे को दिमाग बहुत कंफ्यूज जाएंगे, सर यहाँ भी कैपिटल है यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट होगा कंप्लीमेंट होगा, और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताता हूँ समझो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा अपनाना है, जो ये इज है, क्या है साथियों, जो ये इज है, अगर उससे आप क्या करते हो क्वेश्चंस, क्या न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने इसे क्वेश्चन किया विच, जैसे मैंने इसे क्वेश्चन किया विच किसका, तो भारत का, और फिर भारत क्या है मतलब राजधानी है, भारत क्या है, एंड जैसे मैंने वर्ड लगाया, जैसे मैंने क्या लगा वर्ड,
तो क्या है, तो राजधानी है। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट में एक वर्ड से आंसर आ रहे, एक विच से आंसर आ रहे, तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या साथियों, ये कैसा काम कर रहा है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है साथियों, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब लेकिन अब मुझे आपको, आप मुझे ये बताना कि जो ये कैपिटल है, कहाँ गया कैपिटल है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ साथियों फटाफट। तो ये कैपिटल है, कैसा ऑब्जेक्ट है, मैं बता दूं साथियों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जल्दी ही आ जाता है। एक लॉजिक है लेकिन सब जगह काम नहीं करता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सब जल्दी ही आ जाता है, समझना यहाँ पे। जो व्हाट से आंसर आए, जो व्हाट से आंसर आए मतलब क्या है, न्यू दिल्ली भारत का क्या है, न्यू दिल्ली भारत का क्या है, तो राजधानी है। जो आंसर व्हाट से आया उसे डायरेक्ट कहेंगे, और जो आंसर विच से आता है इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इंडिया है आपका, ये कैसा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या साथियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विच किसका राजधानी है, न्यू दिल्ली किसका राजधानी है, तो भारत का। विच लगाया, विच मतलब किसका, तो भारत का, तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इंडिया क्या है, नाउन है। नाउन में कैसा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और सब्जेक्ट में काम कैसे करता पता चल गया। और ये क्या है, अनकाउंटेबल नामी कैटेगरी में भी रखा जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। न्यू दिल्ली नाउन है, ऐसा नाउन में किस कैटेगरी से है, तो प्रॉपर नाउन, फिर अनकाउंटेबल भी काउंट होगा, मतलब होगा, और एज ए सब्जेक्ट का तरह रोल करता है। यहाँ तक कैपिटल नाउन है, कॉमन नाउन की तरह भी, कॉमन नाउन से बिलोंग करता है, काउंटेबल है, और ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंडिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, इंडिया, प्रॉपर है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अब देखो छोटा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के प्रयास कर दे रहा, ऊपर में समझ जाना। ये जो इज है, इज है इस सेंटेंस में एज एक्ट एज ए मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब आप यूज ऑफ इज एम आर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे साथियों, यूज ऑफ इज एम आर पढ़ोगे तो समझोगे, इसके पीछे एक कहानी है, समझना। जब आप घर पे रहते हो, घर पे सब कुछ रहते हो ना, घर में आपके दादा भी रहते हैं, पापा जी भी रहते हैं, और आप रहते हो, ठीक है, समझना। जब आपके दादाजी मान लीजिए खेत में चले गए, पापा जी ऑफिस चले गए, बचते आप हो, क्या बचते हो आप। तब आपके घर में कोई मेहमान आ गया, या पोस्ट ऑफिस से कोई डाकिया आ गया, ठीक है, तो वो आपके पूछता है ना कि आपके दादाजी कहाँ हैं, तो कहते हैं कि नहीं है। फिर पूछते हैं कि पापा जी कहाँ हैं, आप बोलते हो कि नहीं, दोनों में से दोनों लोग नहीं है। फिर आप उनसे क्वेश्चन करते हो ना कि हाँ बोलिए क्या काम है, शायद मैं उस जगह पे काम कर दूँ। तो वही काम यहाँ पे जो इज है, देखो इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, इसे पता है कि मैं एक्जिलरी वर्ब हूँ, लेकिन जब यहाँ मेन वर्ब नहीं था ना, तो वो कहता है कि बताइए क्या काम है, मैं कर दूंगा। ऐसे आप कहते क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। उस समय आप कैसा रोल करते हो, अपने दादाजी के, अपने पापा जी के रोल एक्ट करते हो उस समय, कहाँ बताइए कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे क्या करना है, मैं कर दे रहा हूँ उनके जगह पे, क्योंकि मैं उनका फैमिली से हूँ, उन्हीं के मतलब जो बोलते ना कोरिलेट मतलब है, ठीक है। तो वैसे इज के वर्ब का पार्ट है, तो ये जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो इज जाकर के कहता है चलो मैं मेन वर्ब का काम कर देता हूँ, कुछ मतलब कब के लिए, इस सेंटेंस के लिए, हमेशा मेन वर्ब नहीं होगा। जब तक ये सेंटेंस है तब तक इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज होगा, ये इज अपने आप में जो पहले से ये बेटा का रोल निभा रहा, जैसे हम लोग घर पे निभाते, वैसा ये इज एक्जिलरी वर्ब का रोल निभाने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलो ठीक है। यहाँ पे इज अभी क्या काम कर रहा है, एज एक्ट एज मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक्जिलरी वर्ब है। वास्तव में क्या है, एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन रोल निभा रहा है मेन वर्ब का। द के बारे में बता ही दिया इसके पिछले सेंटेंस में, द क्या होता है, क्या होता है साथियों, डिफिनिट आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल में कैसा डिफिनिट आर्टिकल। ऑफ के बारे में बता ही दिया, तो ऑफ की अपनी पोजीशन है, और ऑफ के पहले नाउन आता है, और क्या आता है साथियों, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। लेकिन ऑफ के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा 99% लिख के रख लो कहीं भी कॉपी में, जब भी आएगा नाउन आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ के बाद जब भी आएगा नाउन आएगा, या कहीं भी आए नाउन ही आएगा। चलो ये दो नंबर भी क्वेश्चन हो गए साथियों, फटाफट नोट डाउन, एक नंबर क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी करो साथियों। चलो हो गए होंगे, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करने के प्रयास करेंगे, और आप क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, कौन सा पार्ट है,
तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। कमेंट की ओर बाद में ध्यान देंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मैं कमेंट की पूरी बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे, क्योंकि अभी आपको मैं बेस मजबूत करना चाह रहा हूँ कि आप समझो एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि सिर्फ बटवाना नहीं है और सिर्फ मिलवाना नहीं है, आपको सिखाना भी है। कहीं भी जाओ तो आपको गर्दा उड़ा करके आओ वहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसे प्रैक्टिस करना चाहती हो अपने से क्वेश्चन, कोई भी बुक हो, लूसेंट का भी बुक उठा सकते हो, या बहुत सारे प्रकाशन का बुक आता है तो उठा करके क्वेश्चन लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेहरू जी वॉज, आ जाओ लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेहरू जी वॉज ए ग्रेट, नेहरू जी ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। आ जाओ देखो, कह रहा है कि नेहरू जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब बताना, मैंने अभी बता दिया यहाँ पे नेहरू जी भी क्या है आपका नाउन है, ठीक है। हमने अभी जस्ट बताया कि ऑफ के बाद आंख मुद के क्या होता है, नाउन आता है। ये आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, ऑफ जब भी बात आएगा तो नाउन ही आएगा। तीन जगह अभी सीध हो चुका है कि नाउन आया कि नहीं, तीन सेंटेंसेस अभी तक देखिए कि एग्जांपल वाला, दो सॉल्यूशन वाला, ऑफ के बाद हमेशा क्या रहा, नाउन ही आ रहा है। तो समझ रहे हो ना कि कंसेप्ट मैंने जो बताया गलत नहीं बताया, सही है। रूल आपके सामने एक्ट करेगा यार, सामने सब पता चल जाएगा, सीधे चला जाएगा। ऑफ के जस्ट पहले क्या है, लीडर, लीडर भी क्या है, नाउन है। अब देखो यहाँ पे ग्रेट क्या है साथियों, ये नाउन है, ये भी नाउन है, नेहरू जी भी क्या नाउन है। ये देखो ग्रेट, समझना ग्रेट को, ग्रेट क्या साथियों एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल में बताऊंगा क्या वॉज क्या है यहाँ पे बताना। जब घर में महान लोग, बड़े लोग नहीं रहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वही एज ए कैसा काम करते हैं, मेन वर्ब का। लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन एक्ट कैसा कर रहा है, मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्जिलरी वर्ब काम कर रहा है मेन वर्ब का, समझ गए। चलो जो नेहरू जी है कैसा ने, मतलब कौन सा नाउन का पार्ट है, तो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि बहुत सारा लिखूंगा तो फिर मैं जल्दी क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, और मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे, ठीक है। और ग्रेट क्या है, जबकि पता चल गया। लीडर क्या है, कॉमन नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसी चीजें मैं बता दिया हूँ, अपने से क्वेश्चन लगाना और फिर सबको बनाते चलते रहना, ठीक है। क्योंकि टाइम में ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ, और जब इसे बना लेना, कहीं कंफ्यूजन हो आप मुझे क्वेश्चन कराना, मैं बताने की प्रयास करूंगा, ठीक है। और वॉज आपको बता ही दिया क्या है, नेहरू जी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आज क्या काम करेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट का काम करेगा। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द काउ हैज, द काउ हैज टू आईज, टू आईज, टू आईज एंड ए टेल, क्या है एंड ए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो गाय के पास क्या होते हैं, दो आंख एक पूछ होती है। अब देखो जो बच्चे गाय पे लेख लिखते होंगे ना, उनके लिए देखो आसान हो गया, एक फॉर्मेट बन गया ना, एक फॉर्मेट याद हो रहा है, द काउ हैज टू आईज एंड ए टेल। देखो अब एक चीज समझना, जब भी लेख लिखते हो ना, बहुत सारे बुकों में अक्सर गलतियां हो जाते हैं, क्या होते समझना। जब भी किसी भी लेख, किसी भी चीज़ पे लिखना, या तो किसी भी चीज़ हो, गाय हो, भैंस, मतलब कुछ भी हो, वट एवर, जब भी स्टार्टिंग करना तो आर्टिकल द का यूज नहीं करना स्टार्टिंग पीरियड में। क्यों, किसी भी चीज़ के बारे में जब लिखते हो आप, तो उस समय उस चीज़ के बारे में आप अनजान होते हो, लेकिन उसके बारे में जैसे एक चीज़ लिखते हो, एक सेंटेंस फॉर्मेट करते हो, तो उस चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी हो जाता है। और जब जिस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाता है, तो उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगाया गया था, द काउ हैज टू आईज एंड ए टेल, गाय के पास दो पूछ, एक दो आंख एक पूछ होते हैं। लेकिन उसके पहले क्या लिखा गया होगा, द काउ इज, सॉरी ए काउ इज ए पेट एनिमल, समझ रहे हो ना, वैसे चीज लिखा हो गया। और यहाँ पे जैसे वो उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाता है, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब समझना यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है। नाउन आपका एक काउ है, आइज भी है और टेल भी है, पूछो कैसे। देखो ये जो एंड है ना, समझना यहाँ भी लॉजिक है, ये 80% काम करता है, ठीक है, ये 80% लॉजिक काम करता है, समझना। ये जो एंड है 80% केस में, जो एंड के साथ जुड़ते हैं,
उसके लेफ्ट साइड में भी नाउन होता है और राइट साइड में भी क्या होता है, नाउन ही आता है। किस कितने परसेंट, ये 80% काम करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ये काम नहीं करता 20% केस में, लेकिन मोस्टली देखा गया 80% में इसके जस्ट पीछे भी नाउन होता है, जस्ट बाद में भी नाउन होता है। नाउन याद करने की आपकी झंझट ही खत्म कर दे रहा हूँ। नाउन आसानी से सेंटेंस में पहचान सकते हो, और बाकी चीजें आपको बताएं भी हूँ कि कैसे पहचान होगा, कौन सा कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन कौन है, कलेक्टिव कौन है, मटेरियल कौन है। तो ये आइज भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और काउ भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन में कैसा ये नाउन है, कलेक्टिव है, सॉरी कॉमन नाउन है। आइज कैसा है, क्योंकि आइज का हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन ही होगा। और टेल, टेल को भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों बताओ, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ये जो टू है, क्योंकि जब नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, इसकी फॉर्मेट समझने के प्रयास करना। जब कोई नाउन हो उसके पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, पहला फॉर्मेट यहाँ पर समझना, फर्स्ट फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट समझो। जब कोई यहाँ पे क्या हो, नाउन रहेगा उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन रहेगा एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल आएगा, नाउन रहेगा एडजेक्टिव रहेगा आर्टिकल रहेगा। देखो यहाँ पे क्या था, नाउन था एडजेक्टिव था, ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टू लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। कहीं सेंटेंस आपको दिखा दे, ये देखो यहाँ पे नाउन था एडजेक्टिव था आर्टिकल था, ये सेंटेंस फॉर्मेट कर रहा, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, ये सेंटेंस का फॉर्मेट होता है कुछ, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे आपको रूल भी सिखाते चलेंगे हर जगह, जहाँ जहाँ मुझे दिखाई देगा वो चीज़ आपको समझ में समझाना चाहिए, ताकि आप कहीं एरर ना करें, वो चीज़ें तो मैं बताते ही रहूँगा, ठीक है। काउ क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और हैज क्या है, यूज ऑफ, जब पढ़ोगे हैज है, ठीक है, तो ये हैज क्या, एज ए मान लो एक्जिलरी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, एज ए, ठीक है, यहाँ समझ गए सारी चीज़ें, तो आपको बताएं भी हम क्या है, आर्टिकल है, ठीक, फटाफट इसे नोट डाउन करो साथियों, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, चलो नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम लोग चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, सबको नोट डाउन करना है, और इसमें क्या करना है आपको, वो छाट करके बताना है कि कौन कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, क्योंकि मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखवाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा करेगा तो आप थोड़ा सा क्या महसूस करेंगे, थोड़ा बोरिंग फील महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सर इतना क्यों बता रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे रूबरू कराना था आपको कि ये सब भी होते हैं, ठीक है, ये सब भी मुझे पढ़ने होते हैं, क्योंकि मैं रूबरू नहीं कराता आपको, उससे मतलब पहचान नहीं कराता, ये सब भी चीज़ें पढ़ने हमें, आप शायद कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज आप चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए स्नेक इन द व्हील, कह रहा है कि देयर इज ए स्नेक इन द व्हील। आ जाओ जल्दी बताओ यहाँ पे कौन सा नाउन है, कौन कौन सा नाउन है, देखो मैं बता दूं, जल्दी जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो स्नेक है ये भी नाउन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया है जस्ट प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, तो विल भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, और ये द क्या है आपका, आर्टिकल है, तो ये नाउन हो जाएगा। और मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का ठीक पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ये डियर क्या है, डियर यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना कुछ भी है, पूछो क्यों है, क्योंकि डियर एक जो डियर है ना ये नकली सब्जेक्ट है, ये पढ़ाऊंगा आपको, ये क्या है, नकली सब्जेक्ट है, डियर का कोई मतलब नहीं होता, डियर मतलब वहाँ भी होता है, डियर मतलब सब्जेक्ट का भी काम करता है, डियर के यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होता, ये नकली सब्जेक्ट है, इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इसकी यूज सिखाऊंगा तो, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो, जैसे डियर लिखा मैंने और यहाँ पे आर लगा दिया, देयर आर टू बॉयज, देखो यहाँ पे जो बॉयज था ना इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किए थे, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते थे, इसका मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, इसलिए जो देयर है डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है साथियों, समझ गए ये कंसेप्ट। चलो आज अब चौथे नंबर भी समझ गए, अब आते हैं पांचवें नंबर की तरफ, पांचवें नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, आ जाओ देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका साथियों, कह रहे कि द बॉयज एंड द गर्ल्स
the boys and the girls. The boys and the girls are reading. Are reading books in the class. अब जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया है जो क्या हो, एंड से जब जुड़ जाए कोई चीज वर्ड, देखो यहाँ पे एंड है और मैंने बताया कि 80% केस में काम करती है, जो एंड से पहले वाला जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है और एंड से जो बाद में आने वाला वर्ड होता है वो भी नाउन ही होता है 80% केस में। तो यहाँ पे ये रूल क्या है, एप्लीकेबल है, तो जो बॉयज है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो गर्ल्स है ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लेकिन कैसा नाउन है, प्लूरल में, प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुवचन फॉर्म में है। ये भी क्या है, बहुवचन फॉर्म में। आ जाओ अब देखो यहाँ पे क्या है, इन, इन क्या है साथियों, प्रीपोजिशन है और मैंने बताया है प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन, नाउन हो सकता है, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है, यहाँ पे बुक्स है, ये भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। और जस्ट प्रीपोजिशन के बाद में आओ, यहाँ पे क्लास दिखाई दे रहा है तो क्लास भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। साथियों बताओ नाउन पहचानने में कहीं दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि सारा चीज मैंने बता दिया, इसके पहले जो होगा वो भी नाउन होगा। अब तो रटवाने वाली बात नहीं रहना कि इसे प्रॉपर याद करो, इसे कॉमन नाउन को कैसे पहचानो, उतनी याद करने के इतना छोड़ दो। आप दो तीन चीज ठीक देखो, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला हमेशा नाउन ही होता है, एंड से जुड़ा होगा जो दो वर्ड वो नाउन ही होता है। ये छोटे मोटे कंसेप्ट से आप नाउन को, कंसेप्ट को क्लियर ही कर दोगे, ठीक है, ये बातों को समझना। आज जो छठे नंबर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद नोट डाउन करते चलना, ठीक है साथियों, और इसे प्रैक्टिस करना अपने से, ठीक है, इसमें क्वेश्चन चेंज कर करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपका कंसेप्ट, नहीं तो फिर ये कॉपी में लिखे के लिखे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही रह जाएगी, फिर कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, फिर आप हमेशा अटकते रहेंगे इस चैप्टर में जो नाउन नाम है इसका, ठीक है। नाउन इतना आसान नहीं है, देखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ये मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। आज आप छठे नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू मुंबई, इज गोइंग टू मुंबई, ठीक है, ये बड़ा होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सा नाउन है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो आपके जो कंसेप्ट मैंने बताया है यहाँ पे क्या दिखाई दिया, टू क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला कौन जो होगा वो नाउन होगा। आंख मूंद करके काम कर दो पहला काम। यहाँ भी ऑफ है, ऑफ के जस्ट बाद जो वर्ड आता है वो नाउन ही होता है, ऐसा नहीं कब आर्टिकल यहाँ पे लगा हो तो उसे बोला बता देना, इसके बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद जो एक वर्ड आया प्लेयर, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखो इस प्रीपोजिशन के पहले क्या है, मैंने बताया था कि वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। इस जस्ट टू के पहले क्या आया है, वर्ब आया है, क्या साथियों, वर्ब। ये इसके बारे में पता होगा, इससे बातें नहीं करेंगे अभी, कंसेप्ट क्लियर करने सोच रहे। ये जो यहाँ पे ऑफ के जस्ट ठीक पहले टीम, टीम पर क्या होता है साथियों, कलेक्टिव नाउन का पार्ट होता है। तो बताओ यहाँ टीम भी नाउन है, प्लेयर भी नाउन है, गोइंग, गोइंग तो वर्ब है, मुंबई भी नाउन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया साथियों, जल्दी जल्दी थम्स अप उठाओ अगर क्लियर हो रहा है, सभी को अच्छी अच्छी इमोजी भेजो, सभी को एक कालिया बजाओ, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे, मत रो ना, इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग में भी नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कोचिंग में किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, किस तरह से आपके ऊपर पॉलिश किए जाते हैं, अच्छी तरीके से पता है। आज हम सातवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवें नंबर क्वेश्चन भी करवा दूँ, इसे भी नोट डाउन कर लेना। देयर इज ए गैंग ऑफ थीप्स, कह रहा है गैंग ऑफ थीप्स, देर इज ए गैंग ऑफ थीप्स इन दिस, इन द हाउस, इन द हाउस। अब देखो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, इन दिखाई दिया, इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो वर्ड होता है, जस्ट उसके बाद जो हम यूज करते हैं वो नाउन होता है। अभी से डॉग को मत बनाता, डॉग आपको ऑलरेडी पता है कि ये आर्टिकल है, ये जो हाउस हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट इनके पहले आओ, एक वर्ड चेक करो, तो थीप्स प्लूरल फॉर्म बनाया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ भी ऑफ था,
ऑफ के बाद भी आता तो यहाँ से भी चेक करते तो वही बात था, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो बाद वाला वर्ड होता है वो नाउन ही होता है, तो यहाँ नाउन ही होता है किसी ना किसी तरह से। अब इसके जस्ट पहले वर्ड आओ, जस्ट पहले तो गैंग, गैंग भी क्या हो जाए आपका साथी, वो नाउन हो जाए। ये जो डियर है मैंने बता ही दिया कि डियर क्या होता साथी, वो डमी सब्जेक्ट होता है। डियर क्या होता साथी, वो डमी सब्जेक्ट होता है। जिस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका भी हो जाएगा, कैसे, जब आप इस पे काम करेंगे, जब इस पे वर्क करेंगे। मुझे भी नहीं आता था, आज से 4 साल पहले चले जाओ, मैं अपनी बात बताऊं, 2016-17 की बात बताऊं, मुझे भी नहीं आता था साथियों। मुझे तो नाउन की अच्छी तरीके से मुझे डिफिनीशन भी नहीं आता थे, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया 3-4 सालों में, फिर जाकर मैंने इस लेवल पर पहुंचा हूं कि मैं कहीं से भी आपको जो हो ना कंसेप्ट मेरे क्लियर है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आएगा, मैं बता सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, बस बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, आप इस पर वर्क करें, डेफिनेटली यू विल एबल टू जस्ट फाइंड, मतलब नाउन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। व्हेन आई डू देन व्हाई यू नॉट डू, तब आप क्यों नहीं कर सकते भाई, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो बस अपने काम पे यहाँ पे देखना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ों को, तो आपको भी वैसे ही करना, ठीक है। चलो साथियों, कंड सूख रहे हैं, कोई ना, क्योंकि आपको सिखाना वो सब छोटी मोटी बातें, क्योंकि बड़ी चीज़ों करने के लिए छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। मैंने सीखा है कहीं, मेरे गुरुजी बताते थे कि देखो जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ करोगे ना, छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप ये चीज़ सीखने की चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो खेल कूद करते हो ना उसे त्याग करना पड़ेगा और इस पर फोकस करना पड़ेगा। इजी एकदम हलवा, जो इंग्लिश है ना, हलवा हो जाएगा जब इस पर फोकस कर दोगे। आज जब 7वें नंबर हो गया, 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर कह रहा है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, वाव क्या मजा आ गया, कह रहा है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मैंने इसके बारे में कल बताया था, क्योंकि किताब वाले भी जान रहे थे लॉजिक कहीं ना कहीं वो चीज़ है, और मैंने बोला था ना कि ऐसे आएंगे एग्जाम्पल, देखो आएंगे जो तो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, कंसेप्ट जो पढ़ोगे वही कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। कुछ तो लिख लो, 7वां नंबर क्वेश्चन, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। अब देखो ये जो गोल्ड गोल्ड होगा, अब मटेरियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे रिंग बनाया गया है, इस चीज से क्या है, रिंग बना हुआ है, तो ये मटेरियल होगा। लेकिन ये रहता है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तब गोल्ड प्रॉपर होता है। ये मैंने चीज निकाले और कल मैंने आप सबको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, यानी कि ठीक है, यहाँ पर समझना प्रीपोजिशन है। अब मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन ही होता है, हो जाएगा नाउन। मैंने बताया था प्रीपोजिशन के जस्ट पहले जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेड, मेक का क्या है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि बना बना है, ये सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी होगा। तो यहाँ पे ये मेड क्या है, वर्ब है, ठीक है। रिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे समझो जो आर्टिकल दो आते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझो, जो आर्टिकल दो आते हैं, ये जब आर्टिकल जब भी आएंगे तो किसी ना किसी नाउन को लेके आएंगे। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, अगर आर्टिकल है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। अब बताओ ये जो भर्ब है, भर्ब के पहले कोई होगा ना चीज़ जो आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ साथी सबको, ये रिंग क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन, इसके पहले आएगा तो वर्ब एडजेक्टिव नाउन, तीनों में से कोई हो सकता है, 33-34% चांसेस होते हैं। ये आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद जब भी आएगा तो नाउन आएगा, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ऐसा नहीं है तो आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन नहीं, जब भी आर्टिकल होगा तो वो नाउन वहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, नाउन के लिए आर्टिकल आते हैं, ऐसा नहीं कि नाउन के बाद आर्टिकल के बाद नाउन ही आएंगे, नहीं, आर्टिकल कहीं बीच में आ सकता है लेकिन आएगा जब भी तो नाउन के लिए आएगा। समझिए कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ जाओ 9वीं नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 8वीं नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 8वें नंबर क्वेश्चन से कर लेना, ये 8वें नंबर था। अब हम लोग 9वीं नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं और सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग के सारे के कमेंट हम देखेंगे इसके बाद वाला सेशन से, जो कि साइड 2 करेंगे, और वहाँ पे सारे आपके डाउट्स ही क्लियर करेंगे, ठीक है साथियों, क्योंकि अभी आप सीख लो कॉन्सेप्ट, जिसके बाद आपके
आप जो जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे चीज हम आपको बताते चलेंगे। आठवें नंबर हो गए थे ना, नौवीं नंबर मार देखो। नाइन नंबर क्वेश्चन कर रहा है द कॉफी इज कोल्ड, लिख रहा है द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट, बट द टी इज हॉट। अब देखो ये सेंटेंस बताओ किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जल्दी बताओ। सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था ना, देखो एक चीज पीछे चीज भी रिवीजन कर लो, पीछे वाली बात भी आनी चाहिए ना। ये जो मैंने पढ़ाया था आपको किस कैटेगरी में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे ना साथियों, इसका भी अपना मीनिंग है, इसका भी अपना मीनिंग है। और मैंने बताया था जब दो ऐसा मेन क्लॉज होना चाहिए, एक मेन क्लॉज होना मतलब ऐसा मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज होना चाहिए जिसका अपना अपना मीनिंग हो, उसे कंपाउंड कहते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को मिला करके एक बोतल में डाल करके और उसे निकाल करके पिए तो उसका मीनिंग एक ही हो। जैसे मैंने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कंपाउंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, ठीक है, समझ गए। फैन बॉय से जुड़े हुए साथियों, जब कोई वर्ड फैन बॉय से जुड़ा हो तो फैन बॉय में क्या था, एफ ए एन बी ओ वाइस, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी फैन बॉयज, बी मतलब बट, क्योंकि यहाँ पर बट लगा हुआ है, बट से जब दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं उसे ही तो कंपाउंड कहते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई ना आपको, जो पिछले सेशन में जो पढ़े थे तो वो सारी चीजें भी कंसेप्ट को क्लियर करते रहे ना। अब देखो यहाँ पे जो कॉफी है, देखो इज है और यहाँ पर कॉफी है, जो आर्टिकल द है तो यहाँ पे नाउन है, तो ये कॉफी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इज कोल्ड, चलो इसके बारे में बातें करेंगे। अब देखो टी क्या है, नाउन है, ये हॉट क्या है, समझना हॉट क्या है और कोल्ड क्या है, समझने का प्रयास करना। कॉफी ठंडा है तो कॉफी को जो कॉफी के बारे में जो डिटेल शो करता है ना, मैंने बताया है आपको जब मैंने स्टार्टिंग किया होगा सेशन तो मैंने बताया था जो एडजेक्टिव वर्ड होता है ना वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल को शो करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को शो करता है। बताओ यहाँ पे जो कोल्ड है कॉफी की विशेषता ही नहीं बतला रहा है कि जो कॉफी है अभी ठंडी है, कॉफी ठंडा है, यही तो विशेषता ही तो बतला रहा है ना। ये जो कोल्ड वर्ड है, तो यहाँ पे कोल्ड है, ये जो कोल्ड वर्ड है कॉफी का विशेषता ही बतला रहा है ना, समझ रहे हो ना। ये जो हॉट है ये टी की विशेषता बतला रहा है, ये जो हॉट और कोल्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नाउन कौन कौन से होता है, कॉफी नाउन हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, क्योंकि समझो यहाँ पे कंसेप्ट है आर्टिकल है ना साथियों, आर्टिकल के बाद नाउन ही है, ठीक है, आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, नाउन ही होंगे। आ जाओ हम लोग इसके बाद नौवीं नंबर हो गया ना, दसवीं नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, दस नंबर क्वेश्चन, इसके बाद चार क्वेश्चन और बच जाएंगे दस नंबर के बाद। कह रहे हैं कि संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और कैसे है संडे, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। अब देखो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, संडे क्या है, प्रॉपर नाउन, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल को यूज नहीं हुआ। चलो अब देखो ऑफ आ गया, ऑफ के बाद मैंने सिखाया क्या आएगा, नाउन, तो वीक क्या हो जाएगा आपके साथ, नाउन, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफ के जस्ट पहले क्या है, डे, डे भी क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ये ना वर्ब है ना एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पे इसके पहले नाउन होना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट है ये एडजेक्टिव है, क्या लास्ट क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट दिन यानी कि अंतिम दिन, दिन के बारे में विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संडे, संडे क्या आपका नाउन है, क्योंकि किसी क्या है संडे, किसी वीक का पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नेम है संडे, संडे नाउन है, डे भी नाउन है, वीक भी नाउन है, बाकी चीजें आपको पता है, सारा चीज मैंने बता दी है। चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझने की प्रयास करना। और ये काम आपको करना होगा साथियों, इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है साथियों, आज थोड़ा टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, मतलब टाइपिंग वाला काम नहीं हो पाया है साथियों, तो कल आपको टाइपिंग करवा के दे दिए जाएंगे इसके पीडीएफ, ठीक है। और इस पीडीएफ से आप क्या करना, आपकी प्रैक्टिस करना घर पे, और इसके बाद भी जितने क्लासेस आएंगे सारे पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन लगेंगे और इसके नीचे आंसर बताया जाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाते हैं लिखने और मतलब रद्द करने में, ठीक है। एज ए रिगार्डिंग नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर वॉज ए ग्रेट फ्रेंडशिप,
Here was a great friend. There was a great friendship between Ram and Shyam. ये कहानी तो बहुत बार सुनी होंगे हम लोग. Between Ram and Shyam. देखो अभी मैंने आपको बताया है कि जब दो नाउन, दो चीजें, दो वर्ड एंड से जुड़ जाए वो नाउन होता है. तो आंख मूंद करके आपको क्या बोल सकते हो कि सर यहाँ पे राम, देखिए यहाँ पे एंड है और एंड के ठीक पर राम है और एंड के ठीक पर श्याम है, ये दोनों की आवश्यकता साथी और नाउन हो सकता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं. ये बिटवीन क्या है साथी? प्रीपोजिशन है. ठीक है, बिटवीन क्या है साथी? आपका प्रीपोजिशन है, ये बात याद रखना. फ्रेंडशिप, और देखो प्रीपोजिशन का पहले जो वर्ड होता है वो भी नाउन ही होता है या वर्ब होता है. फ्रेंडशिप, आपने वैश्विक नाउन पढ़ा होगा, वैश्विक नाउन में बताया था मैंने, फ्रेंडशिप भी क्या हो जाएगा साथी? वो नाउन हो जाएगा. देखो क्यों नाउन होगा, इसके पहले भी समझो. ग्रेट, ग्रेट क्या होता है साथियों? आपका एडजेक्टिव होता है. क्या होता है साथियों? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना अनिवार्य है. तो इस तरह भी फैक्ट फैक्ट को पकड़ना सीखो, चारों बगल से क्वेश्चन को पकड़ो. एक रूल दो रूल याद करके कुछ नहीं होगा, फैक्ट को पकड़ना सीखो. ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए. तो नाउन होना जरूरी है. ठीक है, आ जाओ उसके बाद समझो. यहाँ पे देयर, देयर क्या है? डमी सब्जेक्ट. ये चीज़ें तो मैं कितनी बार बता दी आपको सेंटेंस में. आ जाओ 12 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 12 नंबर के क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा. बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छा है. कह रहा है माय फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. ठीक है, मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है. ये बहुत बार सुने होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ. मेरे पिता कहते हैं क्या? वे हेल्थ इज वेल्थ. मेरे पिता कहते हैं स्वास्थ्य ही धन. अब बताना यहाँ पे माय फादर, एक बात याद रखना, जो माय वर्ड है ना, माय, आवर, हर, हिज, समझ रहे हो ना, ये जो वर्ड होते हैं उसके जो बाद वर्ड आता है ना, उसके जो बाद वाला वर्ड होता है वो नाउन ही होता है. ये सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, एक ही वीडियो में सीख जाओ, और इसके बाद ही बताऊंगा. लेकिन शुरुआत में सीख जाओगे ना, तो इसके बाद जब मैं बताऊंगा ना तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा. समझो माई के बाद जब भी आएगा, माई, हिज, हर, समझ रहे हो ना, मैंने अभी बता दिया, जो भी उसके बाद जो वर्ड आते हैं ना वो नाउन होते हैं. यहाँ पे जो फादर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाउन. ठीक. और दूसरे तरीके से देखोगे सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही होता, तो फादर नाउन होता. दूसरे तरीके से भी देखते तो अब हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. और मैंने बताया था ये किस में आता है? क्वालिटी वाला में आता है. ठीक है, स्वास्थ्य वाला ये क्या हो जाएगा आपके साथ? नाउन हो जाएगा. और वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ भी क्या हो जाएगा? व्हाट के आंसर आ रहा है, तो व्हाट का जो आंसर है तो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा. तो ये भी नाउन, ये भी नाउन. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. आ जाओ इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और इसके बाद एक और दो क्वेश्चन और बच जाएंगे, तो उसको भी कर लेंगे. ठीक है साथियों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फटाफट आप लोग कमेंट करना, और जिसमें भी डाउट हो, लगे कि डाउट हो तो वो कमेंट करना. लेकिन देखो मैं एक बात बताता हूँ, कुछ ज्ञानी लोग होंगे तो उन्हें लगता होगा कि ये जो लड़का है क्यों इतने सारे बता रहा है, वो भाई बेकार टाइप से कमेंट करेंगे. तो आप लोग उन पर ध्यान नहीं देना, आप लोग पढ़ने पर ध्यान देना. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बैठे होंगे ज्ञानी, मुझे पता है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी टाइप के लोग आएंगे और अपनी अपनी अलग अलग तरह की क्या देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं कि एक्चुअल में हम बता क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, वो अपने अपने ज्ञान रखेंगे. ठीक है, तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट में कहीं भी एरर दिखे फिर हमें आके बताना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है. मैंने जो 80% बता रहा हूँ उसको बातों को समझना, 80% क्यों बताया, जो कुछ भी 19% बता रहा हूँ 90% क्यों बता रहा हूँ वो बातों भी याद रखना है. ऐसा नहीं कि हाँ सर आपने बताया ऐसा क्यों नहीं हो रहा, 20% बच रहे साथियों, 20% में कहीं कहीं वो कुछ होगा, इसीलिए मैं 80% कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज्ञानी बैठे होंगे साथियों, मुझे पता है ना. आ जाओ 13 नंबर में. 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर कि माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स पूरा लिख लेना एंड केमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ पूरा अच्छे से लिख लेना. ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया.
कि मेरे जो शिक्षक है क्या पढ़ाते हैं, हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, जब भी माई हील्स हर्ड, ठीक है, इस सब जो वर्ड होते हैं, पोसेसिव वाला वर्ड होते हैं, उनके बाद जो आते हैं क्या आते साथियों, नाउन ही आते हैं। क्या आते साथियों, नाउन आते हैं, ठीक है। ये टीचर क्या हो जाएगा साथियों, आपका नाउन हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये अब स्ट्रिक्ट नाउन में आते हैं। और मैंने बताया होगा शायद कि साइंस के नाम भी जो होते हैं, ये फिजिक्स क्या साइंस का नाम है, और केमिस्ट्री भी क्या साइंस के नाम है। आर्ट्स के भी नाम को नाउन में रखा जाता है, और कलाई के भी नाम को, जो कला होता है यानी कि जो आपके वो चीज़ होते हैं, उसके भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। और जो बीमारी के भी नाम होता है उसको भी हम लोग, जैसे कालरा ये सब जो भी चीज़ होता है, कैंसर वैंसर, ये सब भी क्या होता है, नाउन ही होते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्या हो जाएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी क्या हो जाएंगे साथियों, आपका नाउन ही होंगे। और देखो दूसरा तरीका क्यों, कैसे पकड़ोगे, क्योंकि इसके बीच में एंड लगा हुआ है, इसके बीच में इस तरह एंड नहीं लगा हुआ है, लिख करके लगा हुआ है एंड। और मैंने बताया कि एंड के पहले भी नाउन होता है और एंड के बाद में भी नाउन होता है, कितने परसेंट में, 80% केस में, ठीक है। चलो इसके बाद दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से प्रयास करना इसे करने की। चलो इसे भी करवा देता हूँ। 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखने के प्रयास करेंगे। कह रहा है कि आई लिव एट नया टोला, वाओ, आई लिव एट नया टोला, नया टोला इन पटना, इन पटना बिहार, पटना आ जाओ। यहाँ पे कंसेप्ट कुछ समझ रहे हो साथियों, यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये एट यहाँ पे क्यों लगा। देखो किसी शहर की जब बात हो ना, कहीं पे शहर की बात हो तो वहाँ पे आप इन लगाओगे, जैसे थोड़ा सा वो डेवलप हो, वो जो एरिया हो क्या हो, डेवलप हो, तो वहाँ पे इन लगाना। जब वो डेवलप नहीं हो, छोटे मोटे इलाके की बात करें, जैसे नया टोला क्या वहाँ की एक छोटा सा इलाका है, जब पटना बचाओगे तो नया टोला क्या छोटा सा इलाका है। जब छोटे चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं, और जो बड़े चीज़ों की बात होती है वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ जाओ इसके बाद आते हैं आई। यहाँ पे प्रोनाउन है तो नाउन होगा ही नहीं। इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन। मैंने बताया प्रीपोजिशन का बाद जो होता है वो क्या होता है साथियों, नाउन ही होता है। और बिहार पता है किसी राज्य के खास नाम है, ये भी नाउन ही होगा, ठीक है, आ जाओ। प्रीपोजिशन के जस्ट पहले चलते हैं हम लोग, तो क्या है नया टोला, क्या है नया टोला, क्या हो जाएगा नाउन। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखो ऐड भी क्या आपके साथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जस्ट बाद जो हमेशा होता है 100% केस में होता है वो क्या होता है, नाउन ही होता है। इस तरह से भी ये नाउन होगा। और इसके जस्ट पहले लिव क्या है, वर्ब है। मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। 33, 33, 33, ठीक है, 33.3% कह सकते हो, समझ गए। आ जाओ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। 15 ही क्वेश्चन है इसमें, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस सेशन का। कह रहा है कि देयर इज नो वाटर इन द रिवर, आ जाओ। देयर इज नो वाटर, नदी में पानी नहीं है। यहाँ पे डियर का मतलब ये नहीं समझना कि डियर मतलब वहां होता है, नहीं। मैंने शुरुआत में बताया डियर क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, नकली है, इसका कुछ मतलब नहीं है। सजावट के लिए इसे रख दिया, जैसे होता है ना, जैसे नकली चीजें हम लोग बना के रखते हैं। पहले के जमाने में हम लोग जो ऐसे थे ना, जब हम लोग का युद्ध होता था तो नकली वाले चीज समझते ना, बंडुपिया, वो चीज एक्चुअल में नहीं था, लेकिन नकली चीजें वहां पर प्रेजेंट किया जाता था। वैसे जो यहाँ पे डियर है ना, डियर नकली है, इसका कुछ रोल नहीं होता, इसके अनुसार इज का प्रयोग नहीं करते। सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्ब नाचता है। क्या होता है वर्ब, जब किसी के पास पावर है तो किसी चीज को नचा सकता है ना। जैसे चुंबक, चुंबक कब तक चुंबक कहलाएगा, जब तक उसके पास मैग्नेटिक पावर है। जब उसके पास मैग्नेटिक पावर ही नहीं रहेगा तो नहीं वो चुंबक कहलाएगा, मुझे बताएं चुंबक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब उसके पास मैग्नेटिक पावर होगा ना, तो वो किसी भी बॉडी को ऐसे मन ऐसे नचा सकता है, ऐसे मन ऐसे घुमा सकता है, और जब दो चुंबक को लोगे तो उसे रिपेयर भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके पास पावर देना चाहिए। इसी तरह बियर के पास कुछ भी पावर नहीं है, नकली है, ऐसे ही है। तो ये वर्ब लगता है ना, इसके अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। इसके बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है, ये बात समझ गए। अब देखो इन, इन क्या है साथियों, आपका प्रीपोजिशन है। और मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है साथियों, नाउन होता है। तो रिवर क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन में पहले वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। बहुत बार बता चुका हूँ, ये जो वाटर है यहाँ पे नाउन। साथियों किसी को यहाँ तक दिक्कत हो
तो मुझे फटाफट कमेंट कर दो, अदरवाइज नहीं है तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो और मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके बाद जो आएगा ना साथियों पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन बोर्ड पर लग जाएगा, मतलब ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन कराएंगे ताकि आपका टाइमिंग भी बच जाएगा और मेरा ही बच जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना होगा पीबीआर स्टडी और वहाँ पे जो यहाँ पे देख लेना चैनल पे वही लोगों वहाँ पे भी दिखाई देगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भी मिलते रहेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे जब भी वीडियो डाले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।